नमस्कार मंडळी, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे खाद्य भ्रमंतीच्या विशेष कार्यक्रमात। आणि आज मी तुम्हाला घेऊन आलोय खुलताबाद नगरीतील गौरव मराठा धाबा या ठिकाणी। या हॉटेलमध्ये काळ्या मसाल्यातील अस्सल चिकन बनवलं जातं। नेमकी ही डिश काय आहे आणि कशी बनवली जाते जाणून घेऊया त्यांच्याकडनं। दादा स्वागत आहे, सर्वप्रथम आपलं नाव सांगा। हसीब शाह हबीब शाह। बर, ही जी डिश आहे कशा प्रकारे बनवली जाते, नेमकी काय रेसिपी आहे? ये ब्लैक मसाला हम हाथ से जो है तो घर पर बनाते हैं। बर, और उसको जो है तो यहाँ पर यूज़ करते हैं, बाकी कुछ मसाले यहाँ के रेडीमेड यूज़ करते हैं। अच्छा। और ग्रेवी जो तो हमारी स्पेशल हाथ की बनी हुई होती है, इसलिए उसका टेस्ट बहुत बेस्ट होता है सर। अच्छा। खाने में बहुत बढ़िया होती है और कस्टमर बहुत ज़्यादा उसको लाइक करता है। अच्छा, काय वेगळेपण आहे त्यामध्ये, म्हणजे जी काही चव असेल किंवा काय मसाले? इसमें मसाले पूरे हाथ के होते हैं सर। अच्छा। जो पुराने लोग हाथ से जो तो मसाले बनाकर खाते थे ना। अच्छा। वो मसाले इसके अंदर हमने यूज किए हैं। जी काळा मसाल्याची जी ग्रेव्ही असते त्यामध्ये आपण एक पिवळी ग्रेव्ही आधी वापरलेली होती, ती मिक्स नेमकी का असते? हाथ की बनी हुई जो है तो खोबरातली की ग्रेवी है। बर। और मेन मसाला उसका ब्लैक है हमारा। अच्छा। वो मसाला डालने के बाद ग्रेवी ब्लैक हो जाती है और वो इतना ब्लैक है कि वो चिकन को भी ब्लैक कर देता है। अच्छा। और खाने में टेस्ट भी वैसा ही होता है, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही उसका टेस्ट है। बर, म्हणून काळे चिकन असं त्याला नाव दिलेलं आहे। हाँ, ब्लैक ग्रेवी चिकन बोलते हैं उसको। अच्छा। बहुत ज़्यादा जो तो कस्टमर लाइक करता है। बर। और ख़ास तौर से हमारे पास औरंगाबाद से इधर से लोग वो खाने के लिए आते हैं। आणि ही डिश कधीपासून सुरू केलेली आहे आपण? सर ये डिश हमारे पास में जो है तो कंटिन्यू में है। बर। जब से हमने रेस्टोरेंट ओपन किया है होटल, तब से जो है तो ये हमारे पास में जो है तो चल रहा है। बर। और हर कस्टमर इसको एक बार खाने के बाद दोबारा आता ही है खाने के लिए। अच्छा। और मांगता ही है। नक्कीच। मला या ठिकाणी एक प्रश्न पडला आहे, तुम्ही हिंदीतून बोलताय। हाँ। हॉटेलला जे नाव दिलंय हे गौरव मराठा धाबा असं दिलंय, म्हणजे हॉटेल का नाम का कॉन्सेप्ट ये है सर, ये है हमारा जो है तो भाड़े का। अच्छा। ये हमारा खुद का नहीं है, हम इसको चलाते हैं। इसका जो मेन मालक है वो है सिद्धार्थ दबाड़े, औरंगाबाद में रहते हैं। अच्छा। बहुत ही बढ़िया मालक है और ये जो तो हमारे एकदम घर फैमिली जैसे है। बर। ये हमको जो है तो एकदम मतलब कोई ऐसा लगता ही नहीं कि हम मालक है या भाड़े से। मतलब हाँ, एकदम सदस्य जैसा है, कोई इनका वो नहीं है। आणि त्यामुळे ते एक नाव देण्यात आलेलं आहे। उनके बच्चे का नाम है। अच्छा। गौरव। गौरव। अच्छा। इसलिए जो है तो वो नाम उसके ऊपर रखा हुआ है। नक्कीच नक्कीच। आणि अतिशय खरं म्हटलं तर जी मैत्री आहे ती या हॉटेलच्या नावातून आपल्याला दिसून येते। ही जी डिश आहे काळ्या मसाले, तिला ही प्राइस काय नेमकी? इसका प्राइस है सर 600 रुपये। बर। हम फुल हंडी देते हैं इसको 600 रुपये। बर। और इसमें 5 से 6 लोग जो है तो हो जाते हैं। अच्छा। आणि या व्यतिरिक्त आपल्या हॉटेलमधील जे काही खावायांच्या खास आवडत्या डिश आहेत ह्या कोणकोणत्या आहेत? हमारे पास में जो है तो हंड्या बनती है सर महाराजा। हाँ। और चटपटा। बर। बटर चिकन। बर। और ग्रीन चिकन। बर। ये सबसे ज़्यादा हमारे पास रनिंग कस्टमर इसको ज़्यादा लाइक करता है, कंटिन्यू हमारे पास ये जो तो ज़्यादातर चलता है। बर। आणि याची काय प्राइस आहे? बटर चिकन 650 रुपये है सर। अच्छा। और ग्रीन चिकन जो है तो 600 रुपये है। बर। हे जे आपण तंदूर या ठिकाणी बनवतोय मोठमोठाले, ह्या तंदूर कोणते आहे? ये बटर नान है। बर। तंदूर परोठा है। अच्छा। और गार्लिक नान है। बर। बटर रोटी है। बर। बटर नान है। अच्छा। ऐकून सर्व प्रकारचे आपल्याकडे रोट्या मिळतात? सगळं करा। तवारी बाजरी की भी रोटी अपने पास में अवेलेबल होती है सर। बर। वो भी अगर कस्टमर मांगे तो हम वो भी देते हैं। नक्कीच। आपल्या हॉटेलचा एकदा संपूर्ण ॲड्रेस सांगा जेणेकरून खवायांना या ठिकाणी व्हिजिट करते। औरंगाबाद से आते हुए खुलदाबाद से 1 किलोमीटर पहले अपना ढाबा है। अच्छा। गौरव मराठा। बर। फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा है अपना। बर। और अपने पास में सिर्फ ओनली फैमिली ही दिखेगी सर आपको। अच्छा। कभी भी एक ये कैबिन वगैरह भी हमने जो है तो सिर्फ खास तौर फैमिली के लिए बनाए हैं। नक्कीच नक्कीच। तर मंडळी या ठिकाणी तुम्ही देखील व्हिजिट करा आणि या ठिकाणचं जे काही काळ्या मसाल्यातील चिकन आहे ना त्याची एकदा टेस्ट जरूर घ्या, कारण अतिशय उत्तम प्रकारे त्याची टेस्ट आहे आणि अस्सल घरगुती मसाल्यामध्ये बनवलेलं आहे। सोबतच ग्रामीण भागाचा टच असल्यामुळे तुम्हाला नक्कीच गावाकडच्या आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही। तर मंडळी हा व्हिडिओ तुम्हाला नेमकी कसा वाटला कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। आवडलाच असेल तर आपल्या मित्रपरिवारापर्यंत जरूर पोहोचवा जेणेकरून या स्वादिष्टीचा स्वाद त्यांना देखील चाखता येईल। थांबूया तिथं। धन्यवाद।